सब मेरी गलती है, बाबा भी भूखे हैं। वो बीमार हो गए तो? फिक्र मत करें, वो आ जाएंगे बाजी। काश मैं इनको ला सकती। आप लोग कम ब्लीच इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हर बार सब कुछ मेरी वजह से ही होता है, क्या मैं इतनी ज्यादा लापरवाह हूँ? हाँ भाई, कहाँ है, कब से कॉल कर रही हूँ मैं आपको, फोन उठा लिया भाई ने? अकेले में जाके बात कर सकती हूँ मुझसे? आवाज़ नहीं आ रही, मैं अंदर जाके बात करती हूँ। भाई कहाँ है बताओ मुझे, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। तुम अपना काम करो, मैं बात करके आती हूँ, ठीक है? क्या आप एक मिनट के लिए बाहर जा सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाई अब कहाँ इतनी देर से, सब पागल हो गए यहाँ। सफिया बाजी ने किचन में सब्जी गिरा दी और दूसरी सफाई में लगी है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। प्लीज भाई आप जल्दी आ जाएं। जानता हूँ गुड़िया, जानता हूँ, तुम बात सुनोगी मेरी। आपको घर आना पड़ेगा, सब तबाह बर्बाद हो गया है। अभी नहीं आ सकता मैं। लेकिन क्यों भाई, आप ठीक है ना? छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में हूँ। क्या? खामोश हो जाओ, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो घर में कयामत आ जाएगी, जानती हो ना तुम। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन भाई आप ठीक तो है ना? हाँ, बस बाजू में हल्की सी चोट आई है। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा अब मैं क्या करूँ बताइए, बाबा को दवा नहीं मिली, सुबह से भूखे हैं भाई वो। मुझे डर है कहीं बीमार ना पड़ जाए। भाई अगर उन्हें दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा तो? कुछ नहीं होगा, अब ऐसा करो लाउंज में जाओ, वहाँ पर बहुत सारे अखबार रखे हैं, उनमें से कोई सा भी एक अखबार उठा लेना। हाँ हाँ। फिर उनसे कहना कि किसी तारीख जैसे कि 6 दिसंबर 2001 का अखबार नहीं है, मिल नहीं रहा मुझे। और जितनी देर में वो अखबार ढूंढेंगी उस वक्त में तुम फ्रिज में जो कुछ भी हो जैसे डबल रोटी वगैरह बाबा को ले जाकर दे देना, समझ गई? क्या हुआ बोलो। जी समझ गई मैं, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? मुझे तुम पर पूरा यकीन है, देखो घर में ज़हनी तौर पर सिर्फ तुम इस काबिल हो, किसी भी तरह तुम्हें बाबा को खाना देना है, समझ गई ना? बाजी आपने तो डरा ही दिया मुझे, मैंने सब कुछ सुन लिया। क्या सुन लिया? भाई आज नहीं आएंगे ना, रात में कहीं रुकेंगे। हाँ दरअसल बात ये कोई है औरत कि... है ना उनके साथ? कौन औरत? हमें कुछ नहीं बताते वो, वो जानते हैं कि बाजी अलग हो जाएंगी, बस तुम्ही से सारी बातें करते हैं वो, हम तो जैसे गैर हैं उनके लिए। बाजी मैंने बाबा को अभी तक दवाई नहीं दी है, तो मदद करेंगे आप मेरी? इतनी देर हो गई खाना नहीं बना, अब तक दूसरी बार हो गया, अब ये तीसरी बार है। बाजी क्या? बहुत बुरा हो गया है। क्या हुआ तुम्हारे भाई को, कुछ हो गया? नहीं, हम आपके अखबार छाट रहे थे और पता है क्या हुआ? हाँ तो बताओ क्या हुआ उन्हें? वो सिर्फ एक अखबार 6 दिसंबर 2001 गायब है। वो कैसे गायब हो सकता है, मैं खुद उन्हें तरतीब से रखती हूँ, कोई हाथ तक नहीं लगाता, किसने छुआ उन्हें? पता नहीं बाजी, आप खुद जाकर देख लीजिए। उफ मेरे खुदा, एक वक्त में क्या क्या करूँ मैं, तुम अंदर बताना। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मैं हाथ धोकर आ रही हूँ। तुम्हें मेरे अखबार को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, मेरे बगैर क्या करोगी तुम? हाँ तुम लोग आखिर मेरी चीजों को छूती क्यों हो? 3, 2 पता नहीं कितने थे, हजार दफा मना किया है कि बीच में मत बोला करो, तुम लोगों ने मेरे अखबारात की तरतीबें बिगाड़ दी। हम अखबार ढूंढ रहे थे बाजी, इस सब कुछ फैला हुआ है, क्या करें? और ऐसे तो दमा है, ये तो छू भी नहीं सकती। या अल्लाह, बिल्कुल कबाड़खाना लग रहा है। ठीक है तुम जाओ यहाँ से, और तुम जल्दी जाओ और झाड़ू ला कर दो मुझे। ठीक है बाजी। दाई तरफ से दूसरी वाली, हजार दफा मैं अखबारात को हाथ लगाने से मना कर चुकी हूँ, ये देखो सब कुछ कितना बिखरा हुआ है, अब इनमें एक अखबार कैसे तलाश करूं मैं? रुको, चप्पलें उतारो और हाथ धो लेना। नरिमन,
बिल्कुल आवाज नहीं करनी बाबा आपने। बाजी ने अगर ये देख लिया तो जानते हैं आपके क्या होगा। ठीक है आप? तुम लोगों ने अब तक नहीं खाया? अभी भूख नहीं है हमें। बाबा क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें खाना ही पड़ेगा, मेरा ही नहीं अपना भी ख्याल रखा करो। तुम्हारा भाई कहाँ है? भाई वो देर से आएंगे क्योंकि शायद वो। क्यों के क्या? मैं कैसे बताऊं कि। तो वो सच है? हाँ। कुलबेन जो कह रही थी, मैंने सुनी थी तुम दोनों की बातें कि हान की एक दोस्त है, इसीलिए मुझे बताते हुए डर रही थी ना तुम, क्योंकि वो किसी लड़की के साथ है। शुक्र है उसकी बहुत फिक्र थी मुझे, ना उसके कोई दोस्त हैं और ना ही वो कहीं घूमता फिरता है। और तुम भी बेटा, तुम्हारे दोस्त वगैरह तो है ना नीलिमा? हाँ बिल्कुल बाबा, बहुत सारे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे और हम सब बहुत करीब हैं। लेकिन बेटा कभी बाहर नहीं जाती तुम? क्योंकि हम मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, बस इस साल बहुत मेहनत करनी है हमें। मुझसे वादा करो तुम अपनी बहनों की तरह नहीं बनोगी, जिंदगी से खौफजदा नहीं होगी, अपना घर बनाओगी तुम, और अपने घर के पर्दे खुले रखना बेटा, रोशनी तुम्हारी जिंदगी चमका देगी। क्या तुम्हारी रूह आजादी नहीं चाहती? यहां की फिक्र छोड़ दो, वादा करो मुझसे तुम दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी का इंतखाब करोगी, वरना तुम भी अपनी बहनों की तरह घर में कैद हो जाओगी। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी बाबा जान। इस घर की ये बदबू बहुत शदीद बदबू है, चाहे कुछ भी कर लो ये खत्म ही नहीं होती। वादा करो बेटा तुम इन जैसी नहीं बनोगी।